अच्छा मुझे आप बताइए, अभी आप बात कर रहे थे जिस तरह इन्होंने अभी कहा कि जादू खत्म हो जाता है, आप अभी बात कर रहे थे कोई भी फियर अगर आपके दिमाग में हो किसी किस्म का फियर है कि नापसंदीदा हालात है, कोई अनवांटेड बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, अच्छा तो सबसे बड़ी ताकत तो इंसानी जहन ही है ना, सब कुछ इंसानी जहन से कंट्रोल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अगर चाहें तो इन चीजों को बदल सकते हैं, फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं, एहसास को चेंज कर सकते हैं, अपने रवैये को चेंज कर सकते हैं। कैसे होता है ये, किस तरह किया जा सकता है? अभी हम ऑडियंस से किसी के साथ करके देख लेते हैं, आप एक तजर्बा करते हैं और आप देखिएगा कि हमें किस तरह का कैंडिडेट चाहिए। जैसे आप में से अगर किसी को भी कोई ऐसा काम करना पसंद नहीं है जो वो करना पड़ता है, मजबूरन करना भी पड़ता है मगर दिल नहीं करता करने को, या वो या किसी ऐसे आदमी से मिलना पड़ता है जिसे मिलना नहीं चाहते पर मजबूरी है, मिलना तो पड़ता है, तो वो फीलिंग्स ऐसी आती हैं कि आप उसे फेस नहीं कर पाते, दिल नहीं करता उसे मिलने को, मुसीबत पड़ी होती है, तो आप चाहते हैं वो फीलिंग्स चेंज हो जाए, आप कंफर्टेबल हो जाए उसके लिए, ये भी पॉसिबल है। कोई ऐसा वाकई एक्सीडेंट हुआ जो आज भी आपको तकलीफ देता है, जब याद आता है आपको तकलीफ होती है, आप वो तकलीफ की शिद्दत कम करना चाहते हैं, भुलाना चाहते हैं, ये भी हो सकता है, वाकई तो वहाँ मौजूद रहेगा, उसकी शिद्दत कम हो जाएगी। अच्छा वो पेन नहीं होगा, वाकई तो हो चुका है ना, मतलब इस वक्त जो आपको तकलीफ देता है वो बार बार वो नहीं देगा। अच्छा तो अगर ऐसा कोई आप चाहते हैं तो बताइए,